नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्वाद सफ़र और ज़िंदगी। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। ये एकदम जो हम शादियों में मटर पनीर खाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगी। बहुत अच्छी इजी तरीके से मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं, इसको लंबा लंबा काट लिया है। और यहाँ पर मैंने 8-10 लहसुन की कलियाँ, एक टुकड़ा अदरक, थोड़ा सा खड़ा मसाला लिया हुआ है। एक पैन मैंने रखा हुआ है गैस पे गर्म होने, इस पे मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। खड़े मसाले में मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और इलायची ली हुई है। अब इस पानी में मैं अपने टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को ज़्यादा बारीक मत काटिए। और इसके साथ ही मैं ये सूखे खड़े मसाले इसमें डाल दूँगी। इसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची सब कुछ है। और इसके साथ ही मैं इसमें 10-12 काजू डाल दूँगी। और इसको ढक्कन लगा के बिल्कुल लो फ्लेम में बॉईल होने के लिए रख दूंगी। अब दूसरे पैन में मैं 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा गरम करके। इसमें मैं अपने प्याज भूनूंगी। और जो हमारे टमाटर हैं वो बॉईल हो रहे हैं साइड में, उसकी फ्लेम हमें बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। ये देखिए, मैंने 3 प्याज को चॉप कर लिया था, उसको मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। इससे हमें बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ इतना ही भूनना है। ये देखिए, ये हो गए हैं, ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। बस अब गैस ऑफ कर दूंगी। यहाँ पे मेरे टमाटर बॉईल हो ही रहे हैं, इनको एक बार चेक कर लेती हूँ दबा के 1 चम्मच से। हमें इसे एकदम अच्छे से सॉफ्ट करने तक बॉईल करना है। अभी ये नहीं हुए हैं, इसको फिर से ढक्कन लगा के रख दूंगी। अब मैंने एक दूसरा पैन गैस पे रखा हुआ है, इस पे मैं तेल डाल रही हूँ। ये तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही है, इसमें मैं पनीर फ्राई करूँगी। इसको अंदाजे से ले लीजिए, ये नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है। यहाँ पे मैं 200 ग्राम पनीर ले रही हूँ, इसको मैंने क्यूब शेप में कट किया हुआ है। पनीर थोड़ा सा बड़ा ही काटिए, शादियों में बड़ा ही पनीर होता है। इसमें मैं पनीर को फ्राई करूँगी। पनीर को बहुत ज़्यादा हिलाइए मत, नहीं तो ये टूट जाते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। सावधानी से कीजिए क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। और हो सके तो नॉन स्टिक का यूज़ कीजिए, उससे पनीर चिपकते नहीं हैं, लोहे की कढ़ाई में चिपक जाते हैं। मैंने अपने प्याज को पीस लिया है। अब मैं उसी तेल में 2 चम्मच बटर डाल रही हूँ जिस तेल में मैंने पनीर को फ्राई किया था। ये सब्ज़ी मैं बटर और तेल मिक्स करके बनाऊँगी। आप चाहें तो सिर्फ तेल या सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेल्ट हो गया। मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और इन सबको फ्राई कर लूँगी। इनको बहुत देर तक अकेला मत छोड़िए, नहीं तो मसाले जल जाते हैं। बस 1 मिनट के लिए इस तरीके से मिक्स कीजिए और ये रेडी हो जाएंगे। अब मैं इसमें अपना प्याज का पेस्ट डाल दूँगी। प्याज हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करी है, इसलिए हमारी जो प्याज है वो वाइट वाइट पिसी है। अगर उसे ब्राउन कर देंगे तो प्याज जो है वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है पिसने के बाद। यहाँ पे टमाटर मेरे बॉईल हो गए हैं, इसे मैंने ठंडा होने रख दिया था। इसे भी मैं एक मिक्सी के पॉट में डाल के पीस लूँगी। इसका हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। ये देखिए, ये पिस गया है, एकदम फाइन पेस्ट इसका रेडी हो गया है। अब जो मेरे प्याज भून रहे थे उसमें मैं इस पेस्ट को डाल दूँगी और इसे बहुत अच्छे से भूंजना है। इस स्टाइल से सब्जी को बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, एकदम शादियों वाला स्टाइल है। उस प्याज को मैंने ढक दिया था, बीच बीच में से चलाते जाएंगे और ढक्कन लगा के पकने दें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं ये सब्जी फ्रोज़न मटर में बना रही हूँ, वो पहले से सॉफ्ट रहते हैं। अगर आप फ्रेश मटर लें तो उन्हें पहले थोड़ा सा बॉयल कर दें। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ये किचन किंग मसाला है। आप जो भी मसाला, गरम मसाला यूज़ करते हैं वो इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। अब मैं इस सब्ज़ी में दूध ऐड करूँगी। ये दूध मलाई के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ। और दूध डालने के बाद इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे, नहीं तो दूध फट जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा दूध थोड़ा पानी इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसे शादियों वाले हलवाई जैसा बना रही हूँ
तो वो लोग दूध ही ऐड करते हैं, तो मैं भी दूध ही डालूंगी। इसकी ग्रेवी मैं दूध से ही बनाऊंगी, इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूंगी। इसे अच्छी तरीके से हिलाते रहिए बॉईल आने तक। ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, मैंने पहले कोई भी नमक नहीं डाला है। नमक डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के पकने देंगे। अगर आप नॉर्मल ग्रीन वाले मटर यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें पहले साइड में उबाल लीजिए, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए, फिर इसमें डालें। और ढक्कन लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में इसको खोल के चेक करते जाएंगे। ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा मावा ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, लेकिन शादियों में मावे का यूज़ होता है और ये मीठा मावा है इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। ज़्यादा डालूंगी तो सब्ज़ी एकदम मीठी हो जाएगी। इसे भी डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें 200 ग्राम फ्रोज़न मटर ऐड कर रही हूँ। आप जो भी मटर यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे इस पर डाल दीजिए और मटर डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद इसको ढक्कन लगा के बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए ये बॉईल हो रहे हैं। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, हाथ से क्रश करके डालिए, उससे ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ ही मैं इसमें तले हुए पनीर ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले से फ्राई करके रखे थे। बस ये सब्ज़ी एकदम रेडी है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब गैस बंद कर दूंगी और लास्ट में मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। इस स्टाइल से सब्जी को बनाइए, ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, एकदम हलवाई जैसी बनती है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बताइए आपकी सब्ज़ी कैसी बनी।